लोग, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग करेंगे 1 और 2 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि SSC, CGL, बैंक्स, CHSL, MPPSC, UPPSC, UPSC और जितने भी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस वीकली सीरीज़ भी मैं लेकर आती हूँ और मंथली सीरीज़ भी आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ। अगर आपका ये डेली करंट अफेयर छूट जाता है तो आप वीकली और मंथली भी देख सकते हैं उसी के साथ। और मेंस की जो सीरीज़ चलाई जा रही है वो एज इट इज चलेगी, प्लस MP की भी मेंस की कुछ सीरीज़ में लेकर आऊँगी। मेरा मेन फोकस मेंस का है, क्योंकि प्री क्लासेस तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, बस मेंस का जो टू द पॉइंट हिंदी में नोट्स होते हैं वो बहुत ही कम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके लिए मैं मेंस पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ, चाहे वो UPSC हो, UPPSC हो या फिर MPPSC हो। तो इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको सारी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरें हैं देश और दुनिया की। पहली खबर है आज की, हाल ही में 2 बार की ओलंपिक ऑस्कर विजेता डी हैवीलैंड का निधन हो गया है, और वे किस देश की हैं की थी, तो ये हमें बताना है। तो 2 बार ऑस्कर विजेता है ये, तो इस क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, डी हैवीलैंड को क्यों जाना जाता है, तो उन्होंने 2 बार ऑस्कर जीता है, तो वो थी जापान की। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। 2 बार की ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैवीलैंड का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जापान के लोग ज़्यादातर इतने ही उम्र जीते हैं, 100 से प्लस में। उनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान के टोक्यो में हुआ था। इस अभिनेत्री ने कैप्टन ब्लड, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, गॉन विद द विंड, द स्नेक पिट, द हेयरेस जैसी फिल्म में अभिनय भी किया था। तो इनके फिल्मों के नाम भी आप एकाध याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है, तो ये सौंपा है बांग्लादेश को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे गए हैं, और इन रेल इंजनों पश्चिम बंगाल इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के गेट सेक्शन से रवाना किया गया, जबकि दूसरी ओर उन्हें दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया था। चलिए बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, तो इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है इसकी टका, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है, तो याद रखेंगे ये ऑप्शन से भारत, फ्रांस, नेपाल या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है भारत। ये पहली हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी अगर फर्स्ट न्यूज़ आती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स ऑफ बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रे अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, जो बुक आपने मेरे थंबनेल पे देखी थी वही ये बुक है, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक का नाम हमें बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं, तो अगर आपने पिक्चर्स ध्यान से देखी होगी तो उसमें नाम लिखा था डॉक्टर एस जयशंकर। इस पुस्तक को हॉर्पर कालिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, और एस जयशंकर जो हैं वो विदेश मंत्री भी हैं। चलिए आगे बात करें, हाल ही में किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है, कपिल देव, राजीव रिसोड़कर, सुनील गावस्कर या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है राजीव रिसोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं। क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद इंदौर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर राजीव रिसोड़कर ने तैयार किया और इसे मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तो आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल लेना, विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय, तो करेक्ट आंसर है शिक्षा मंत्रालय।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा हुई। इस कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित की है? तो ये की है 800 मेगावाट की। बिजली व नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित की है, जिसका विकास सिंगापुर की सेमकार्प इंडस्ट्रीज की भारतीय इकाई SEIL ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने का बिल पास किया है? भारतीय कांग्रेस कमेटी, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी, ऑस्ट्रेलियाई कांग्रेस कमेटी या जापानी कांग्रेस कमेटी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है अमेरिकी कांग्रेस कमेटी। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने का बिल पास किया है। भारतीय अमेरिकी सांसद अमी बेरा द्वारा अनुमोदित गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को सदन की विदेशी मामलों की समिति ने पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? विश्व विजय सप्ताह, विश्व महिला सहयोग सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसका उद्देश्य होता है विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया के शिशुओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बात करें। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो करेक्ट आंसर है 3 सैटेलाइट। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हाल ही में 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से JUAN-3 के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? तो करेक्ट है हरियाणा सरकार, क्योंकि ये लोग हरियाणा की ही हैं, इसलिए ये ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को 2 अलग-अलग आदेशों में खेल व युवा मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले बबीता हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? मुंबई सरकार, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई? तो करेक्ट आंसर है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वालों को एक मंच पर लाना है। ये पोर्टल दिल्ली में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के करीब 2.2 करोड़ बच्चे अपने प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, तो ये याद रखेंगे आप। ये एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, और इस न्यूज़ को आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या मुद्दीज। तो बच्चों के लिए कौन सा संगठन काम करता है? यूनिसेफ। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कुछ समय पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी इस साल की करीब और 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की ओर ढकेल रही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है नासा ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
यानी नासा, इन्होंने मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद जल्द ही परसिवेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन को मार्स 2020 नाम दिया गया है। ये रोवर मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणी की वस्तुओं को वर्चुअल शामिल करने की घोषणा की। यहाँ वर्चुअल आएगा, तो यहाँ आंसर है 371 श्रेणी की वस्तुओं को इसमें, इन वस्तुओं जो 371 श्रेणी की वस्तुएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, कागज, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीन, स्टील बार और स्टील ट्यूब भी शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं। 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पॉल हैरिस अवार्ड दिया गया था। 31 जुलाई 2007 को पॉल हैरिस अवार्ड दिया गया था डॉक्टर सुधीर पारिक को। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ भवन बनाया गया, तो उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा कराया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है। मालदीव, अमेरिका, मॉरिशस या जापान? तो करेक्ट आंसर है मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने हिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आभार भी जताया है। चलिए आगे देखते हैं। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? तो करेक्ट आंसर है यहाँ जर्मनी। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हाल ही में जर्मनी ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मॉस ने कहा है कि बर्लिन ने यह कदम चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रतिक्रिया स्वरूप में उठाया है। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप डू यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।